Subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. Using ruler and compass, construct a triangle ABC where AB is equal to 3 cm, BC is equal to 4 cm and angle ABC is 90 degree. तो हमें एक ट्राइंगल बनाना है जहां पे BC लॉन्गर साइड को पहले ले लिया, ये 4 सेंटीमीटर है और ये कुछ 3 सेंटीमीटर है AB, और ये कह रहे हैं कि एंगल ABC 90 डिग्री है, तो ये ट्राइंगल इस तरह से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। फिर कंस्ट्रक्ट अ सर्कम सर्कल या अ सर्कल विच सर्कमस्क्राइब्स द ट्राइंगल ABC। उसके बाद मेजर एंड राइट डाउन द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब हमें एक सर्कल इसके चारों तरफ बनाना है और इस सर्कल का हमें रेडियस कैलकुलेट करके सबमिट करना है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी। तो मैं तो इस क्वेश्चन में क्या करूंगा कि डायग्राम तो बनाऊंगा ही, साथ में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखूंगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की आपको ऐसे जरूरत नहीं है जब तक क्लियरली यहाँ पे जस्टिफाई ना लिखा हो या राइट डाउन ऑल द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ना लिखा हो, तो आप बिल्कुल भी मत लिखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं ये समझने के लिए आप समझ पाए, इसलिए मैं स्टेप्स लिख रहा हूं। और ये भी बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन ICSE 2020 में आ चुका है। ठीक है, आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं से करीब 10 दिन के आसपास हो चुके हैं, अब 10 से भी थोड़े ज्यादा हो गए हैं। बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई जब हमारे एग्जाम खत्म होने वाले हो तब अपलोड करना, तो बच्चों का आदेश फराखों पर, और इसीलिए धीरे धीरे बना रहा हूं मैं। और साथ साथ मैं एनसीईआरटी भी कर रहा हूं, तो जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो एनसीईआरटी भी देखें। और मैथ्स कॉमन होती है, बोर्ड मैटर नहीं करता है, क्लास टेंथ में सब कुछ बेसिक होता है, तो आप बेसिक चीजें पढ़िए। सीबीएसई वाले आईसीएसई का भी पढ़ सकते हैं, आईसीएसई वाले सीबीएसई का भी पढ़ सकते हैं, अपना तो आप पढ़ेंगे ही, है ना। तो चलिए, काफी फालतू बातें हो गई हैं और अब इसे हम लोग बना लेते हैं। तो बनाने के लिए भाई मैं आपको अपना इंस्ट्रूमेंट्स दिखा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें रूलर यूज करना है, तो रूलर है ये, और कंपास यूज करना है तो ये कंपास है। ठीक है, और हमें बीसी 4 सेंटीमीटर बनाना है, तो बीसी 4 बना लेते हैं। चलो थोड़ा सा जगह रखते हैं ताकि बनाने में दिक्कत ना हो। ओके, सो बीसी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हो गया बीसी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी, देख लीजिए मेरे स्केल में ये 4 सेंटीमीटर क्लियरली दिख रहा है, ये 4 सेंटीमीटर है। अब यहां पर हमें 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना होगा, उससे फिर हम लोग एबी निकालेंगे। ठीक है, साथ साथ में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। तो 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर लेंगे, कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कंस्ट्रक्शन है, 90 डिग्री हम लोग को बनाना है। तो ये हो गया और पॉइंट, ठीक है, 90 डिग्री बनाना मतलब अच्छे से सीख चुके हम लोग। अगर आपको नहीं आता है तो अभी आप ये वीडियो केवल ध्यान से देखते रहिए, सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चलो भाई रेडियस जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स पर एक कट ऐसे और इस पॉइंट पर रखकर एक कट ऐसे। ठीक है, ये मैं चाहता तो ये पूरा सर्कल मतलब पूरा सेमी सर्कल ना बनाता, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही आपकी बुक रिकमेंड करती है, तो इसलिए मैं वैसा बना रहा हूं। अब उसके बाद
ये जो है इसे बना लिया, इसे सॉलिड लाइन ही बनाएंगे अभी, लेकिन हमें पता नहीं है कहां तक हमें जाना है। तो देखिए एक्चुअल में हमें 3 सेंटीमीटर लेना है, तो 3 सेंटीमीटर हम लोग ले लेंगे और थोड़े से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं। ड्रॉ बीसी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एंगल टीबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और कट ऑफ एबी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर फ्रॉम टीबी। तो जो टीबी है उससे एबी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हम काट लेंगे। इसे डायरेक्टली हम स्केल से मेजर करके पॉइंट नहीं बनाते हैं, हम लोग आर्क बनाते हैं, ये ज्यादा मतलब सेफ है और ज्यादा एक्यूरेट मेथड है। तो आप देखिए क्या हो रहा है, हम लोग यहां से 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं और ये हो गया, ये आर्क बना ली। तो इस तरह से हमें पॉइंट ए लोकेट हो गया है ना। अब आपको लग रहा होगा यार ये पहले कट पॉइंट जो था वो ऊपर था, नीचे आ गया, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो क्या रहा था बच्चों कि ये आर्क और ये आर्क आपस में बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जा रही थी, तो मैंने थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लिया। ये आप भी कर सकते हैं एग्जाम में, आप नहीं भी करेंगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, बट बोर्ड में थोड़ा सुंदर दिखना चाहिए जैसे मैं हमेशा बोलता हूं। फिर तो उस तरह से ये हम लोग ने 90 डिग्री भी बना लिया है और ये ट्रायंगल, अब ये ए लोकेट हो गया, तो अब आप स्केल से ही जोड़ सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते यहां पर। इस तरह से हमारा ट्रायंगल एबीसी इज कंस्ट्रक्टेड। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कंस्ट्रक्टेड। लेकिन अभी तो हम लोग ने थोड़ा सा ही काम किया, अब हमें सर्कम सर्कल बनाना। सर्कम सर्कल बनाने के लिए कोई विशेष बात नहीं है, हम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने पड़ेंगे। तो इधर तो मुझे बहुत भीड़ लग रही है, तो मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। लिख दिया ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ बीसी एंड एसी। तो चलो बीसी का बनाना शुरू करते हैं। रेडियस चेंज नहीं करना है इसमें आपको, है ना, जो भी आप 4 आर्क्स बना रहे हैं एक तरीके से यहां पर 1 2 3 4, इस चारों में आपको सेम रेडियस, अब इनको स्केल से मुझे जोड़ना होगा। फिर उसके बाद मैं चलिए आर्क्स वाला काम पहले कर ले रहा हूं। ये बनाया आपने और फिर ये बनाया, फिर ये बनाया आपने और ये बनाया। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्ट होना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्ट होना। तो स्केल से कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। काफी मेहनत होती है कंस्ट्रक्शन के सवाल में, तो वो हमें करनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इस लाइन पे ही आ रहा है ना, और यही सही भी है। काफी बच्चे समझ गए होंगे कि यार 90 डिग्री अगर हमारे पास है इधर, ये 90 डिग्री है, तो ये डायमीटर ऑफ द सर्कल की तरह फंक्शन करेगा। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है हमारा, यही हमारा पॉइंट ओ है। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब चाहे आप ओ ए रेडियस लीजिए या ओ सी रेडियस लीजिए या ओ बी रेडियस लीजिए, कहीं से भी आप बनाएंगे तो सर्कल, किसी से भी स्टार्ट करेंगे तो सर्कल अपने आप बाकी दोनों पॉइंट से भी पास होगा। मार्क द इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एज पॉइंट ओ, हमने मार्क कर लिया है। विद ओ एज सेंटर
draw the circumcircle of triangle ABC. इसमें एक और बात मिस हो गई मुझसे, ओ एस सेंटर एंड ओ ए एज रेडियस, अब सही होगा क्योंकि बिना रेडियस के कोई सर्कल कंप्लीट नहीं है, मतलब पूरी तरह डिफाइंड नहीं होगा. एंड ओ ए एज रेडियस ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, अब ये हो गया तो बस काम हम लोग का सही चल रहा है. ए ओ ए सेंटर हमें लेना है. अब देख रहे हैं कि अपने आप जो सर्कल है वो बाकी सारे पॉइंट से पास कर रहा है. हमने क्या लिया था, हमने लिया था ओ ए एज रेडियस, लेकिन ओ बी और ओ सी अपने आप टच हो गया उसी सर्कल में. और स्टेप्स लिख दिए तो ट्राइंगल एबीसी का सर्कम सर्कल तो बन ही गया था. ओ सर्कम सेंटर है. आफ्टर मेजरमेंट द रेडियस ऑफ सर्कल इज, चलो मेजर कर लेते हैं. और एक चीज बताना चाहूंगा कि यार देखो 3 है 4 है तो पक्का ये क्या होगा, 5 होगा पाइथागोरस से. अब 5 है, ये डायमीटर है तो 5 डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 2.5 होगा. तो हमें पता है 2.5 आने वाला है. आपका मेजर करने में चाहे जो आए एग्जाम में आप 2.5 लिख के आते बस, लेकिन मेरा तो भाई 2.5 आ रहा है क्योंकि मैं टीचर हूं. तो 2.5, आफ्टर मेजरमेंट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2.5 सेंटीमीटर. तो बस यही 2.5 आपको लिख के आना था. यहां पे भी आप लिख सकते हैं रेडियस ओ ए इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, इधर आपको 2.5 नहीं लिखना चाहिए क्योंकि 2.5 गिवन नहीं है, कैलकुलेटेड चीज है. तो रेड से 3 सेंटीमीटर ये और ये हम लोग ने लिख दिया, बट यहां मत आप मार्क करिए. आप एग्जाम में आपको जाहिर है सब कुछ ब्लैक से ही करना है, तो मैंने थोड़ा क्लैरिटी के लिए रेड यूज किया. सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ. ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, इजी था. और क्योंकि यहां पर सर्कल की प्रॉपर्टी यूज हो रही थी तो आप पहले से गेस भी कर सकते थे कि हमारा ये आंसर आने वाला है, तो उससे आपकी थोड़ी ज्यादा मदद हो जाती. सो दिस इज डन.